Hello friends, this is Monica Agarwal from Divine Center Path Towards Spirituality. और पिक एक कार्ड, दोबारा हम एक पिक एक कार्ड रीडिंग कर रहे हैं. और ये रीडिंग रिक्वेस्टेड रीडिंग है. मेरे दो तीन क्लाइंट्स हैं, उन्होंने मुझे स्पेसिफिकली मैसेज करा है कि मैं इस टॉपिक पे बनाऊँ. और आप लोगों को मेरी रीडिंग्स पसंद आ रहे हैं, उसके लिए तो सबसे पहले शुक्रिया. और हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, 8,000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं. सो दिस इज समथिंग, यू नो, समथिंग टू सेलिब्रेट अबाउट. अगर आप ऐसे सब्सक्राइबर्स में से, सॉरी, आप अगर उस व्यूअर्स में से हैं जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. क्योंकि मैं अब पिक एक कार्ड रीडिंग्स बहुत सारे लाने वाली हूँ कमिंग फ्यूचर में, अलग अलग टॉपिक्स पे. यस, लव, रिलेशनशिप एंड अलग अलग. तो आज का जो पिक एक कार्ड रीडिंग है वो है हमारा कंसीविंग एंड प्रेगनेंसी के टॉपिक पे. जो भी लोग मैरिड हैं और जो फैमिली वे पे जाने के लिए ट्राई कर रहे हैं, जाना चाहते हैं, काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे हैं, उनके लिए ये रीडिंग है कि आप के प्रेगनेंसी के क्या चांसेस हैं, कब होंगे, क्या ऑब्स्टिकल हैं. और डेफिनेटली आज हम बात करेंगे कुछ रेमेडीज की भी रीडिंग्स के साथ, जो कि ऑब्वियसली आप लोगों को काफ़ी इंटरेस्ट करेगी. मैंने तीन पाइल्स डिवाइड कर दिए हैं, आई होप आप लोग देख पा रहे हैं. पहला पाइल में एंजल कार्ड मैंने पहले डाला है, सेकंड पाइल में मैंने जो मेन टैरो कार्ड्स हैं वो डाला है, और थर्ड पाइल में मैंने ये फेरी कार्ड को ऊपर रखा है. हालांकि तीनों पाइल में तीनों कार्ड्स हैं, बराबर हैं, लेकिन मैंने ऊपर कलर इसका रखा है. तो आप जो भी आपको अट्रैक्ट करता है वो पाइल आप सिलेक्ट कर सकते हैं. इसको मैं सिंपल रख रही हूँ, पाइल वन, पाइल टू, पाइल थ्री. और टाइम स्टैम्प्स जो है वो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मैं दे दूंगी. लेकिन टाइम स्टैम्प्स का मतलब ये नहीं होता कि जो आपका इंट्रोडक्शन होता है, जो मैं बोल रही हूँ, वो आप ना सुने, क्योंकि उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन होते हैं जो आप लोग मिस आउट कर जाते हैं. फिर वो कमेंट सेक्शन में लिखते हैं, जैसे कुछ लोग लिखते हैं कि भाई मेरे पे ये रीडिंग फिट नहीं बैठ रही है. तो मैं पहले ही बता रही हूँ कि जनरल रीडिंग है, करोड़ों लोग इस दुनिया में है, तो जनरल रीडिंग जरूरी नहीं है सब पे फिट बैठे. अगर 100 पे फिट बैठे तो हो सकता है उसमें से 5-6 लोग हों जिन पे फिट नहीं बैठेगी. उसके लिए आप पर्सनल रीडिंग्स बुक करा सकते हैं, जो कि डेफिनेटली पेड होती है. और पेड रीडिंग्स के लिए प्लीज डोंट मैसेज मी कि आप फ्री रीडिंग्स चाहते हैं, वो पॉसिबल मेरे लिए नहीं हो पाता है. और फ्री रीडिंग्स के लिए मैं ये रीडिंग्स बनाती हूँ, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी रीडिंग को आप कंसिडर कर सकते हैं टाइम स्टैम्प पे जाकर. रीडिंग सिलेक्शन कैसे करना है कार्ड का, आइस क्लोज करनी है. जो भी पाइल पे आपका फोकस जा रहा है या आपका इंट्यूशन जा रहा है, वो आप पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं. पाइल वन, पाइल टू, पाइल थ्री मैंने आपको दिखा दिया, दोबारा दिखा रही हूँ. दिस इज पाइल वन एंड दिस इज पाइल टू एंड दिस इज पाइल थ्री. तो चलिए, बिना देरी करते हुए जिन्होंने पाइल वन सिलेक्ट करा है उनके कार्ड्स हम ओपन कर लेते हैं कि पाइल वन की रीडिंग क्या कहती है और क्या लेकर आई है हमारे लिए. तो पाइल वन में मैंने मेन एडवांस टैरो कार्ड्स यूज करे हैं. मैं टैरो कार्ड रीडिंग सिखाती भी हूँ और बहुत अच्छे से डिवाइन सेंटर के कोर्सेज चलते हैं. अगर आप में इंट्यूशन है और आप अट्रैक्टेड हैं तो आप सीखने के लिए भी पता कर सकते हैं. लेकिन डेफिनेटली वन टू वन क्लास होती है तो क्वालिटी फोकस्ड होता है. अगर आप टू मच प्राइस फोकस्ड हैं तो ये कोर्स आपके लिए नहीं है, मेरे वाला कोर्स, ठीक है, क्योंकि हम इसमें कंटेंट एंड क्वालिटी पे फोकस करते हैं. तो टैरो कार्ड्स मैंने ओपन कर लिए हैं और मैं साथ में एंजल्स के साथ कनेक्शन करके मैंने तीन एंजल कार्ड्स भी निकाले हैं कि एंजल्स इससे रिलेटेड क्या मैसेज देती हैं. साथ में मैंने फेरीज की भी निकाली है ताकि हमें ये भी पता चल जाए कि फेरीज का इस मामले में क्या कहना है. तो ये पाइल वन के कार्ड्स मैंने स्प्रेड कर लिए हैं. तो सबसे पहले जिन्होंने भी पाइल वन सिलेक्ट करा है, वो अगर अपने फैमिली वे पे जाने के लिए काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे हैं या उन्होंने अभी ट्राई करना शुरू करा है, तो कार्ड्स बहुत अच्छा इंडिकेशन दे रहे हैं. अगर आपने अभी तक ट्राई करना नहीं शुरू करा है और आप इस वीडियो पे हैं, इसका मतलब डेफिनेटली यूनिवर्स आपको इंडिकेट कर रहा है कि आपकी फैमिली में एक नए मेम्बर का आगमन होने वाला है.
तो और जिन्होंने नहीं शुरू करा है और वो सोच रहे हैं कि हम अभी प्लान करें फैमिली के लिए या नहीं, तो ये बहुत अच्छा टाइम है। ये कार्य शो कर रहा है कि प्रेगनेंसी इज इंडिकेटेड डेफिनेटली। अगर आप पूरे अपना मन बना लेते हैं कि हमें अपनी फैमिली को बढ़ाना है, तो आपका प्रेगनेंसी इंडिकेट कर रहा है आपके भी और आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ दोनों के ही कार्ड्स में इस समय बहुत स्ट्रांग योग चल रहे हैं। तो जो भी लोग फैमिली को बढ़ाना चाहते हैं या पहले ट्राई कर चुके हैं और सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, या कोई भी रीज़न आया है, चाहे वो करियर रीज़न हो, चाहे वो आपका मेडिकल रीज़न हो, लेकिन ये कार्ड्स मुझे इंडिकेट कर रहे हैं कि दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम। ये टाइम बहुत अच्छा है प्रेगनेंसी के लिए और आप लोग डेफिनेटली आपका 2019 से ट्राई शुरू हो के 2020 तक ये योग बन रहा है। क्योंकि देखिए चाइल्ड का भी जो होता है वो योग आते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हर कोई भी योग, चाहे वो मैरिज का हो चाइल्ड का हो, तो वो योग आए और उसमें वो काम हो जाए। क्योंकि उसमें बहुत कुछ ये डिपेंड करता है कि हमारे कर्मास क्या हैं, हमारा माइंडसेट क्या है, हम मेंटली प्रिपेयर्ड हैं उस चीज़ के लिए या नहीं। तो इस समय मुझे कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं कि आप लोग दोनों ही फैमिली को आगे ले जाने के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हैं। आप लोग प्लान कर चुके हैं, ट्राई भी कर रहे हैं और जल्दी आपका घर में एक नए मेहमान के आगमन की सूचना का भी ये कार्ड है। मैं ये देख पा रही हूँ कि इन कुछ लोग पाइल वन जिन्होंने सिलेक्ट करा उनमें हो सकता है कि उनको कुछ मेडिकल रीजंस आए हों जिसकी वजह से सक्सेसफुल ना हुआ हो पहले जो वो ट्राई कर रहे हैं, या देर इज एन चांसेस की मिसकैरेज के भी चांसेस हैं कि पहले हो चुका है। लेकिन अब मैं ये अब मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि इस समय जब आप एक नए फैसले की तरफ बढ़ेंगे, आप दोबारा से अपनी फैमिली को आगे बढ़ाना चाहते हैं या बच्चे का अगर आपके अंदर होप है, तो पहले जो भी हो चुका है उसको आप भूल जाएं, उसको सबकॉन्शियस माइंड में बिल्कुल भी ना रखें। क्योंकि अब आपका योग बहुत अच्छा आ रहा है, सब कुछ स्मूथ जाएगा। लेकिन एक कार्ड यहाँ पे मुझे वार्निंग का दिखाई दे रहा है। वार्निंग में मतलब घबराने की बात नहीं है, बट ये स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि जब इस बार आप कंसीव करें तो आप एटलीस्ट 3 मंथ्स तक किसी को ये बताएं नहीं या ज़्यादा स्प्रेड ना करें। क्योंकि मैं इसमें एक कुछ नेगेटिव एनर्जीज एंड जेलेसी का फैक्टर देख पा रही हूँ आपके आसपास के लोगों में से। ज़रूरी नहीं है कि आपके आसपास कोई ऐसा हो जो बहुत ज़्यादा आपसे इस चीज़ को लेके जलता है या कुछ होता है, लेकिन कुछ कुछ लोगों का ऑरा ऐसा होता है कि उनको लोगों का टोक बहुत जल्दी लग जाता है। तो ये मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अगर कोई भी अच्छा काम करते हैं, खासकर कि जब हम प्रेगनेंसी की बात कर रहे हैं या कंसीविंग की बात कर रहे हैं, तो आप 3 मंथ्स तक अगर उस इंफॉर्मेशन को होल्ड करके रखते हैं, बहुत ज़्यादा स्प्रेड नहीं करते, लोगों में नहीं गाते हैं, इवन रिलेटिव्स में भी सबको नहीं बताते हैं, तो ये टाइम आपका बहुत अच्छे से निकल जाएगा। थोड़ा सा बस एक मुझे ये हिंट मिल रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सेलिब्रेशन का कार्ड आ रहा है, डेफिनेटली ये अगेन इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि आपका जो टाइम पीरियड है वो बहुत ईजिली निकलेगा, सब कुछ बहुत स्मूथली होगा, कोई भी परेशानी नहीं आएगी। और कुछ भी अगर पास्ट में आपके साथ ऐसी हैपनिंग हुई है वो आप ध्यान मत रखिए, क्योंकि मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड कई बार हमारा इतना स्ट्रांग होता है कि हम पिछली बार कुछ चीज़ गलत हुई होती है और इस बार हम वो चीज़ अगर माइंड में रखते हैं तो उसके इफ़ेक्ट्स, उसकी वाइब्रेशंस हमारे प्रेजेंट पे पड़ते हैं। इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि सेलिब्रेशन का कार्ड आ रहा है, बहुत ही अच्छा कार्ड आ रहा है। तो आप सेलिब्रेशन डेफिनेटली ये भी शो करता है कि घर में खुशियाँ आने वाली हैं, और ऑब्वियसली अगर घर में कोई न्यूबॉर्न बेबी आता है या आपके घर में फैमिली बढ़ती है तो खुशियां तो आएंगी आएंगी। चलिए एंजल्स को देखते हैं कि एंजल्स क्या मैसेज दे रही हैं आपको कंसीविंग एंड प्रेगनेंसी से रिलेटेड। तो एंजल्स ये बता रही हैं, टाइम ऑन मूव ऑन का कार्ड आया है, एंड ऑफ दी बैड थिंग्स का आया है, तो डेफिनेटली ये अगेन इंडिकेट कर रही हैं कि कुछ लोग इनमें से हो सकते हैं जिनका पीछे एक्सपीरियंस खराब रहा हो, कुछ मिसकैरेज हुआ हो या मेडिकल रीजंस की वजह से उनके एफर्ट्स सक्सेसफुल नहीं हुए हो, या डॉक्टर ने कुछ बता दिया हो कि ये प्रॉब्लम है। तो ये बता रही है कि मूव ऑन कर जाइए उस चीज़ से, क्योंकि कहते हैं ना कि मैं भी लॉजिकल चीज़ों को मानती हूँ,
मैं भी खुद भी MBA हूँ, खुद भी कॉर्पोरेट्स में मैंने टाइम निकाला, तो मैं इस चीज़ को मानती हूँ, मेडिकल साइंस को मानती हूँ, साइंस को मानती हूँ. लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ चीज़ें डिवाइन होती हैं, तो जब किसी को आना है और डिवाइन इंटरवेंशन होगी तो वहाँ पे आपको डाउट्स नहीं रखने चाहिए, विश्वास होना चाहिए. और एंजल्स आपको ये भी बता रही हैं कि जब आपको ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट्स और मेथड्स के ज़रिए चलना है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप कंसीव करते हैं या प्रेगनेंसी के चांसेस हैं तो आपने 3 महीने तक किसी को नहीं बताना. आप देखिए, पुराने ज़माने में भी हम लोगों में सब लोग कहते थे कि जब कोई अच्छी चीज़ हो रही होती है तो बहुत ज़्यादा उसको गाना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि किसी का वाइब्रेशन, हम उसको अगर एजुकेटेड व्यू पॉइंट से अगर समझे तो वाइब्रेशंस, किसी का वाइब्रेशंस कैसा है आपको नहीं पता. हर इंसान हमारे आसपास नहीं होता जो हमारी खुशियों में खुशी दिखा रहा है और वाकई में खुश हो रहा है. तो इसलिए आराम से जो चीज़ आनी है, जो चीज़ आप, जो खुशी आपके घर में आनी है वो तो सबको पता चली जाएगी, तो ज़रूरी नहीं है कि उसको पहले से गाया जाए. हैप्पी फैमिली का कार्ड आ रहा है और इसमें देखिए मुझे बेबीज भी दिख रहे हैं, तो डेफिनेटली ये आपका ये शो करता है कि जो भी बेबी आपके लाइफ में आएगा वो बहुत लकी होगा, अपने साथ फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी लेकर आएगा. जैसा कि इसके बारे में मैंने एक बारी एक वीडियो में एक कहानी भी सुनाई थी ना, कि हर इंसान अपनी किस्मत लेके आता है. एक इंसान था, वो 1 रुपया कमाता था, जब उसकी शादी हुई तो उसकी इनकम 10 रुपीज़ हो गई. उसने भगवान से पूछा तो उन्होंने कहा कि आपकी बीवी की किस्मत का है. फिर जब उसके बच्चा हुआ तो उसकी किस्मत 100, उसकी कमाई 100 रुपये हो गई, तो बच्चा अपनी किस्मत लेकर आया. तो आपका जो भी बेबी आपके लाइफ में आ रहा है वो लकी होगा, प्रॉस्पेरिटी लेकर आएगा, अच्छी एनर्जीज होंगी उसकी, पॉजिटिव एनर्जीज होंगी जो घर में आपके खुशी का माहौल लेकर आएगा. अगर आपके हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ टिप्स चल रहे हैं या रिलेशनशिप्स में कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, वो भी उसको क्योर करेगा. वो एक रीज़न बनेगा आपके रिलेशनशिप को और स्ट्रेंथन करने के लिए, स्ट्रांग करने के लिए. फेरीज मुझको क्या बता रही हैं, जिन्होंने भी पाइल 1 सिलेक्ट करा है, फेरीज ये कह रही हैं कि आपको अपने बिलीव्स के लिए स्टैंड अप होना है. अगर आप चाहते हैं अपनी फैमिली को अभी आगे बढ़ाना तो आपको उस पर मूव ऑन करना है. किसी और की बातों में आकर आपने स्टेप बैक नहीं करना है, क्योंकि ये टाइम अच्छा चल रहा है आपका कंसीविंग के लिए. और अगेन फेरीज भी सेम चीज़ बता रही हैं जो एंजल बता रही है, जैसे इनकी ओल्ड वेट या जो ओल्ड आपके साथ हो चुका है उसको मन में नहीं रखना है आपने. एंड देन ईजी डज इट, लाइक ईजी डज इट का आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना छोड़ दीजिए किसी भी चीज़ को, बस अपने कर्म करिए, बाकी यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए. क्योंकि टाइम अच्छा चल रहा है तो एफर्ट्स आपके सक्सेसफुल होंगे ही होंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है. तो ये था पाइल 1 वालों के लिए रीडिंग. हम पाइल 2 की रीडिंग पे मूव ऑन कर रहे हैं. चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, दोबारा बता रही हूँ. और अगर आपके रीडिंग ये आप पे फिट नहीं बैठती है तो डेफिनेटली आपको एक पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है. बहुत सारे लोग हैं दुनिया में, ज़रूरी नहीं है कि सिलेक्टेड कार्ड से सब पे ये फिट बैठे, किसी पे ये फिट बैठ सकती है, किसी पे नहीं बैठ सकती है. पाइल 2 मैं ओपन कर रही हूँ. जिन्होंने भी पाइल 2 सिलेक्ट करा है, जिसमें कार्ड्स पहले आ रहे हैं, तो उनके लिए मैं रीडिंग कर रही हूँ. पाइल 2 वालों के लिए देखते हैं कंसीविंग प्रेगनेंसी के क्या चांसेस हैं. मैं ये कार्ड्स ओपन कर रही हूँ पाइल 2 के लिए. इंटरेस्टिंगली मैंने हर में से टैरो के 5 कार्ड निकाले थे, इसमें 6 निकल गए हैं. कार्ड एक साथ में जुड़ा हुआ था, तो डेफिनेटली कुछ मैसेज आपके लिए लेके आ रहा है, वो हम अभी रीड करते हैं. जिन लोगों को थोड़े से ये शिकायत रहती है ना कि उनको कार्ड्स पूरी तरह से नहीं दिख रहे, वो इस तरह के सेटअप में मैं कार्ड्स उठा के उनको दिखा देती हूँ, तो उसमें ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है. आप मन में सिलेक्ट कर सकते हैं 1, 2, 3 करके और पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम थोड़ा सा सेटअप चेंज करते रहते हैं. कुछ लोग चाहते हैं कि इस तरह से भी रीडिंग करी जाए, कुछ लोग चाहते हैं कि सिर्फ कार्ड्स पे फोकस शिफ्ट कर दिया जाए, तो इसलिए मैं दोनों सेटअप्स को शिफ्ट करती रहूँगी. तो आपको ज़्यादा परेशान होने का ज़रूरत नहीं है, कार्ड्स मैं ओपन करके दिखा दूँगी. अगेन जिन्होंने पाइल 2 सिलेक्ट करा है,
देखिए जिन्होंने पाइल टू सिलेक्ट करा है उनके प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं। मुझे ये नज़र आ रहा है कि शायद आपको अपना, अगर आप फैमिली वे पे जाने की कोशिश कर रहे हैं तो मे बी आपको थोड़ा मॉडर्न टेक्निक्स का हेल्प लेना पड़े, जैसे आईवीआर होता है या और भी बहुत तरीके होते हैं जिससे आप हेल्प ले सकते हैं। आपके योग में और आपके लाइफ में बेबी का हैप्पीनेस, प्रेगनेंसी की हैप्पीनेस डेफिनेटली है, वो मुझे ये कार्ड शो कर रहा है जो कि एक यस का कार्ड है कि डेफिनेटली आपके लाइफ में आप जो चाह रहे हैं बेबी आपके लाइफ में है, प्रेगनेंसी के चांसेस हैं, लेकिन आपको उसके लिए, जैसे मैं ये कार्ड देख पा रही हूँ, आप इस समय मायूस हैं इस सिचुएशन को लेकर, मतलब उम्मीद आप हार चुके हैं, आपने सब चीज़ें ट्राई कर ली हैं, लेकिन कुछ चीज़ ऐसी है जो डिवाइन है, कुछ चीज़ ऐसी है जहाँ पे उसकी मर्जी चलती है, हमारी मर्जी नहीं चलती है। तो इसीलिए ये टाइम फैक्टर है, इसमें आप जिन्होंने टू पाइल चूज करा है उनके यहाँ पे डेफिनेटली बेबी डिलेड है, नो नहीं है, डिनाइड नहीं है, डिलेड है। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी एक बेबी है, यानी आपका एक ऑलरेडी बच्चा है और आप सेकेंड बेबी के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो मेरे को यहाँ पे थोड़े से ऑब्स्टिकल्स नज़र आ रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो चीज़ हमारे पास होती है हम उसको पूरी तरह से रिलीज नहीं करते हैं, और कोई मन में हमारे आ गया कि भाई हमें सेकेंड बेबी चाहिए, हमें ये चाहिए, हम उसके लिए बिल्कुल एंशियस हो जाते हैं। एक तो होता है कि मन से आप चाहते हैं, एक होता है कि ह्यूमन है तो एक जिद चढ़ गई कि मुझे ये चाहिए, मुझे क्यों नहीं मिल रहा, तो उसके लिए और एंग्जाइटी हो रही है, हम उसमें 50 चीज़ों का एफर्ट्स कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो कार्ड से इंडिकेट कर रहे हैं कि आपको वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स जो आप कर रहे हैं, जो बेचैनी हो रही है जिसकी वजह से आपके बाकी काम हैम्पर हो रहे हैं, आप उस पर पूरा एनर्जी नहीं फोकस कर पा रहे हैं, वो बंद कर दीजिए, क्योंकि वो ना क्या कर रहा है, आपकी लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा है, ना आप इधर के हैं ना आप उधर के हैं, ना आप एक काम अच्छे से कर पा रहे हैं ना दूसरे से कर पा रहे हैं, और कुछ भी नई अपॉर्चुनिटी आपके पास आती है तो आपको दिमाग में ये आता है कि अच्छा ये हो गया तो मैं इसको कैसे मैनेज करूंगी, अगर ये हो गया तो मैं मैनेज। तो बेसिकली आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है कि जैसा लाइफ आ रहा है वैसे आप लाइफ को लेना शुरू करिए, जो चीज़ आपके सामने है उसको इन्जॉय करिए, उस पर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पूरी एफर्ट्स डाल दीजिए। और क्योंकि मैं ये देख पा रही हूँ कि जिन लोगों की एक भी बेबी नहीं है, जो न्यूली मैरिड हैं या जो काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे हैं, अभी 3 साल से, 4 साल से या 5 साल से सक्सेस नहीं मिली है, उनको डेफिनेटली बेबी का योग है। यहाँ पे रीडिंग्स थोड़ी वैरी कर रहे हैं, अगर आप सेकेंड बेबी देख रहे हैं तो योग बहुत कम है, 5% है, मायूस होने की जरूरत नहीं है, और आपके मन में काफ़ी चीज़ें चल भी रही होंगी कि भाई चलो मैं गोद ले लेती हूँ, मैं कुछ कर लेती हूँ, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। बट पॉइंट ये है कि आपके पास ऑलरेडी भगवान ने आपको एक ऑलरेडी चीज़ दी हुई है, यानी कि आपको ऑलरेडी एक बच्चा दिया है, आप उस पर अपने एफर्ट्स डाल सकते हैं। आप सेकेंड बेबी का सिर्फ जिद है या किस वजह से चाहिए, पहले तो वो क्लैरिटी लाइए। अगर आप क्लियर हैं आपको कोई लाइफ में कोई चीज़ चाहिए, कोई हैप्पीनेस चाहिए, तो उसका रीज़न क्या है, जस्ट चाहिए इसलिए चाहिए, या इच्छा है इसलिए चाहिए, या क्या पर्पस है, उसके हिसाब से आप अपना आगे का डिसाइड करिए। अच्छा, उन लोगों की हम बात करते हैं जिनके एक भी बेबी नहीं है, जो काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे हैं और उनको सक्सेस नहीं मिल रही है, बार बार उनको फेलियर मिल रही है, अगर आईवीआर ट्राई करा है तो वो सक्सेस नहीं हुआ, नॉर्मल तरीके से ट्राई करा है तो वो सक्सेस नहीं हुआ, उनके लिए मैं ये बता पा रही हूँ कि योग डेफिनेटली है, लेकिन अभी और 2-2.5 साल उनको थोड़ा वेट करने की ज़रूरत है। और ख़ासकर आप काफ़ी चीज़ें ना ट्राई कर चुके हैं जिससे आपकी हेल्थ पे, आपकी बॉडी पे काफ़ी फ़र्क पड़ा हुआ है, तो बेसिकली आपको 2 साल अपने आप को दीजिए रिवाइवल के लिए, और उसके बाद आपका एक स्ट्रांग योग आ रहा है। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं ना कि हम पिक कार्ड रीडिंग में टाइम फ्रेम नहीं बताते, तो मैं बता रही हूँ आपको टाइम फ्रेम, तो उसका आ रहा है और आपको बहुत ही नॉर्मल तरीके से मिलेगा। आपको किसी, अगर आप 2 साल वेट करते हैं तो आपको किसी भी आर्टिफिशियल तरीके पे जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप वेट नहीं करना चाहते हैं और आपके ऊपर कुछ फैमिली प्रेशर्स हैं
या आपका एज ज़्यादा निकल चुका है, तो ये कार्ड आ रहा है कि आप IVF के थ्रू या किसी आर्टिफिशियल तरीके से कर सकते हैं, बट अच्छे डॉक्टर एंड अच्छे कंसल्टेशन के साथ। एक थोड़ा सा इस कार्ड को हम नेगेटिवली रीड करते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप डर जाएं या घबरा जाएं, बट हाँ मुझे यहाँ पर ना कुछ एक्सटर्नल एनर्जीज का इन्फ्लुएंस नज़र आ रहा है। मे बी कुछ चीज़ें होती हैं हमारे योग में नहीं है, कुछ चीज़ें होती हैं हमारे एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से हो रही है, तो कहीं ना कहीं कोई ऐसा है जिसकी नेगेटिव एनर्जी आपके इस एस्पेक्ट पे असर कर रही है। कहीं ना कहीं से वो नेगेटिव एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, इसलिए आप फैमिली वे पे नहीं चल पा रहे। वो कुछ भी हो सकता है, हो सकता है आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो या आपके पार्टनर का हो जिसकी वजह से वो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, हो सकता है किसी की नज़र लगी हो, कोई घर में कोई रिलेटिव हो जो नहीं चाहता कि आपके घर में हैप्पीनेस आया, या हो सकता है आपकी अपनी नेगेटिव थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो। ये चीज़ फाइंड आउट करने के लिए तो पर्सनल रीडिंग्स आर ऑलवेज बेटर दैट आर पेड, ऑब्वियसली उसके पेमेंट चार्जेस लगते हैं, बट डेफिनेटली कुछ तो नेगेटिविटी है जो आपके फैमिली वे में प्रेगनेंसी में मेजर ब्लॉकेजेस ला रही है। एंजल्स को देख लेते हैं, एंजल्स क्या बताती है हमें। सो एंजल्स इज टेलिंग यू टू सीक अ प्रोफेशनल एडवाइस, डेफिनेटली किसी अच्छे डॉक्टर या किसी अच्छे जगह से आप पता कर सकते हैं, एक प्रोफेशनल से कंसल्ट करके आप आगे कर सकते हैं, तो उम्मीद आपकी बन सकती है बेबी के लिए। इस समय आप थोड़ा सा ना रिलेशनशिप में भी आपके बहुत टिफ आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली भी आप पूरी तरह से मेंटली प्रिपेयर नहीं हो पा रहे हैं अपनी फैमिली के लिए। आपको बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं कि भाई मुझे फैमिली वे पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, आगे ये रिश्ता चलेगा या नहीं चलेगा, वो डाउट्स भी बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं जो कि ये कार्ड आपको शो कर रहा है। ड्वेलिटी आपके माइंड में है और ये शो कर रहा है कि जब भी आपका प्रेगनेंसी होता है या जब आप कंसीव करते हैं, बहुत सडन होगा ये इवेंट, आपने एक्सपेक्ट भी नहीं करा होगा और अचानक से होगा कुछ चीज़। फेरीज हमें बता रही है, फेरीज ब्लेस कर रही हैं आपको। फेरीज में देखिए कार्ड ही प्रेगनेंसी का आया है, तो जिनका भी ये पाइल टू है ना उनको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फेरीज प्रेगनेंसी का कार्ड शो कर रही है, तो डेफिनेटली वो ये कह रही है कि मैं हम आपके साथ हैं। तो ये एक इंडिकेट करता है कि प्रेगनेंसी का कार्ड है, तो डेफिनेटली यस का कार्ड है। ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, नो डाउट, लेकिन फेरीज को अगर आप कॉल डाउन करेंगे, आंख बंद करके थोड़ा सांसों पे ध्यान लगाइए, बोलिए कि जो भी मेरे आसपास एंजल्स हैं, फेरीज हैं, वो मेरी विश पूरी करने में मुझे हेल्प करें, मेरे लाइफ में बेबी का ब्लेसिंग्स लेकर आएं, तो फेरीज आपको हेल्प करेंगी। और ये नज़र आ रहा है कि जो नेक्स्ट ऑटम है उसमें आपका एक योग आ रहा है, नेक्स्ट ऑटम तक आपकी विश पूरी हो सकती है अगर आप फेरीज को कॉल डाउन करना शुरू करते हैं, उनकी हेल्प लेना शुरू करते हैं या एंजल्स की हेल्प लेना शुरू करते हैं। आप मुझसे एक आर्कएंजल अट्यून करवा के भी ले सकते हैं, उसके लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपको उसके चार्जेस एंड सब चीज़ें बता दूंगी। और एक फॉरगिवनेस का कार्ड आ रहा है, तो डेफिनेटली पास्ट में कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं कि लोगों ने आपको हर्ट करा है और उसके जो ग्रजेस हैं, नॉट नेसेसरीली इस चीज़ को लेकर, लेकिन जो आपके उसके ग्रजेस हैं, जो लोगों ने आपको हर्ट करा है या आपको दिल दुखाया है, वो ग्रजेस आपके सबकॉन्शियस माइंड में इतने स्टोर्ड हैं कि उसकी एनर्जी कहीं ना कहीं इस एस्पेक्ट पे ब्लॉकेज ला रही है। तो डिप्रेशन से बाहर निकलिए थोड़ा और अपने आप को थोड़ा सा मतलब अफर्म करिए स्ट्रांगली कि यस मैं ये चीज़ चाहती हूँ, मुझे ये चीज़ मिलेगी, तो आपको डेफिनेटली ये हैप्पीनेस मिलेगी। पाइल थ्री जिन्होंने सेलेक्ट करा है, हम उसमें मूव ऑन कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। पर्सनल रीडिंग्स अगर आपको चाहिए तो वो पेड होती हैं, और डेफिनेटली जो ये हैं जनरल रीडिंग्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि सबके ऊपर ये फिट बैठे। अगर आप पे ये फिट नहीं बैठती है, इसका मतलब आप पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, फिट बैठ रही है तो आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और प्लीज़ फ्रेंड्स, मैं ये मेंशन करना चाहती हूँ कि चैनल पे जब भी आप कोई कमेंट लिखें, अगर आपको इस चीज़ पे विश्वास नहीं है, आप इस चीज़ पे नहीं भरोसा करते, या फिर आपको नहीं रीडिंग्स पसंद आ रही, या सब अलग अलग तरह के लोग आते हैं, तो प्लीज़ भाषा का प्रयोग सही तरीके से करिए। क्योंकि अगर आप, मैंने दो तीन कमेंट्स आज डिलीट करे हैं जो बिग बॉस रिव्यू पे डाले गए हैं,
अगर आप भाषा का सही प्रयोग नहीं करते हैं तो उससे मेरे को कोई नुकसान नहीं होने वाला है, वो आपकी अपब्रिंगिंग को शो करता है, वो ये शो करता है कि आपका मतलब वो आपकी फैमिली के ऊपर क्वेश्चन मार्क डाल देता है अगर आप गाली लिख रहे हैं या कुछ लिख रहे हैं। भाई बिग बॉस का रिव्यू है या किसी भी चीज़ का रिव्यू है, सबके अपने पसंदीदा कैंडिडेट्स होंगे, लेकिन जो कार्ड्स में आ रहा है मैं वही बता रही हूँ। नहीं पसंद आ रहा आपकी विषय, आप इस चैनल पे नहीं आए, लेकिन अगर आप गाली खोज लिखते हैं तो बेसिकली वो आपकी अपब्रिंगिंग को शो करता है, और डेफिनेटली ये चैनल बिग बॉस का नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ा सा भाषा का सही प्रयोग करें, या रीडिंग्स में भी अगर आपको नहीं पसंद आ रहा है तो यू हैव अ चॉइस टू अनसब्सक्राइब एंड चॉइस टू नॉट यू नो फॉलो दिस चैनल। और जिन लोगों को रीडिंग्स पसंद आ रही है उनके लिए स्पेशल थैंक्स, एंड वो लोग अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम ऐसी रीडिंग्स आपके लिए और लेकर आए। तो पाइल तीन वालों के लिए हम कार्ड्स निकाल लिए हैं हमने, का बेसिकली इस बात का जवाब देने से पहले कि आप प्रेग्नेंट कब होंगे, आप कंसीव कब करेंगे, आप फैमिली वे पे कब जाएंगे, मैं थोड़ा सा एक ओवरव्यू देना चाहती हूँ कि आपके कार्ड्स मुझे शो कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आपके रिलेशनशिप में हैं जो आपको डिप्रेस कर रही हैं। आप एक डिप्रेसिंग फेज में चल रहे हैं कि आपके रिलेशनशिप में काफ़ी अप एंड डाउन चल रहे हैं, कभी तो वो बहुत अच्छा हो जाता है, कभी सडनली आपका एक दूसरे पर से ट्रस्ट हट जाता है। और इन चीज़ों को लेके, या फिर अगर आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हैं जो आपको आपने अरेंज मैरिज करा है लेकिन आपके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंगली नहीं निकला है, कहीं ना कहीं आपको एक बंधन का या एक कुछ ऐसा महसूस करना पड़ा जिससे आपको अपनी लाइफ बंधी हुई नज़र आ रही है और आपको लगता है कि भाई एक नया मेंबर आएगा या एक बेबी आएगा तो हमारा रिलेशनशिप स्ट्रांग हो जाएगा, तो पहले मैं ये बता दूं कि आप लोग मेंटली प्रिपेयर नहीं है और ऐसा नहीं होने वाला है। उससे पहले आप अपनी रिलेशनशिप को अगर टाइम देते हैं, दोनों तालमेल अच्छा बिठाते हैं तो अच्छा रहेगा आपके लिए फैमिली वे पे जाना। स्टिल फैमिली वे के चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं, लेकिन उसमें अभी 1 से 2 साल का टाइम है। अगर आप जल्दी करेंगे तो वो आपकी फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब कर सकता है, आपकी रिलेशनशिप को फर्दर डिस्टर्ब कर सकता है। 1 से 2 साल का टाइम अगर आप अपने फैमिली वे को देते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ये खास करके ये जो मैं बता रही हूँ ये न्यूली मैरिड के लिए है। अब मैं उन लोगों पे आती हूँ जिनकी शादी को कुछ टाइम हो चुका है, 5 साल 6 साल 4 साल, और वो ट्राई कर रहे हैं। उनके केस में अगर मैं देखती हूँ तो एम सिंह की उन पर ना लाइफ प्रेशर बहुत ज़्यादा हो रहा है, या तो फैमिली का या सोसाइटी का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो रहा है कि शादी को टाइम हो गया, आपके आपको बेबी कर लेना चाहिए, लेकिन वो खुद अभी नहीं चाह रहे हैं बहुत ज़्यादा। मे बी आप चाह रहे हो, आपके पार्टनर नहीं चाह रहे, तो जब तक आप दोनों राजी नहीं होंगे तब तक ये खुशी आपकी लाइफ में नहीं आएगी। क्योंकि प्रॉब्लम ये हो रहा है कि एक जना चाह रहा है आपके में से और एक जना अभी मेंटली रेडी नहीं है, तो इस चीज़ के लिए तो दोनों को ही मेंटली रेडी होना पड़ेगा। तो अगेन आपके केस में भी थोड़ा सा टाइम आ रहा है प्रेगनेंसी के चांसेस में, लेकिन आप लोगों को आपकी शादी को काफ़ी साल हो गए हैं तो वो टाइम कितना होगा कहना मुश्किल है, क्योंकि आपके पार्टनर अभी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए तैयार नहीं है। उनको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा कि एज जितना जितना निकलती जाएगी उतना ही डिफ़िकल्ट होता जाएगा, और एक पॉइंट ऐसा भी आ सकता है जहाँ पर आपके चांसेस कम हो जाएँ। बहुत ही ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट है आपकी फैमिली का, और इनमें से थर्ड पाइल जिन्होंने सेलेक्ट करा है, अगर हम उनकी बात करें जिनकी शादी को बहुत टाइम हो चुका है, 7 से 8 साल, मैं कार्ड्स को अगर रीशफल करूं और अरेंज करूं तो जिनकी शादी को काफ़ी टाइम हो चुका है, उनके योग में अगर आप गोद लेते हैं बेबी तो आपके लिए अच्छा रहेगा। या आप एक अगर फीमेल साइड से प्रॉब्लम है तो सरोगेसी पे भी जा सकते हैं। कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जो भी चीज़ करें आप लीगल तरीके से करें, मेंटली प्रिपेयर होकर करें।
मुझे ये तो लग रहा है कि आपके हस्बैंड वाइफ में तो आप लोग एग्री हैं, लेकिन फैमिली के बहुत ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर हो रहा है। वो लोग ये भी नहीं चाहते कि आप गोद लें, क्योंकि उनके बहुत सारे इश्यूज हैं कि हमारा खून नहीं होगा, हमारा बच्चा नहीं होगा, उसके जीन्स कैसे होंगे, हमारी फैमिली में ये सब कभी नहीं हुआ। उसको लेके जो फीमेल पार्ट है, खासकर कि जो लड़कियां हैं, उन पे बहुत प्रेशर हो रहा है। कुछ कुछ फैमिलीज जो मैं देख पा रही हूँ जिनको शादी हो गया, वो ऐसी भी हैं जहाँ पे सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है या एक क्वेश्चन मार्क हो रहा है। तो मैं बता दूं कि ये कार्ड मुझे साफ बता रहे हैं कि फीमेल पार्ट में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ये मेल पार्ट का इशू मुझे नज़र आ रहा है। कुछ भी रीज़न हो सकता है, मेडिकल रीज़न हो सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में ये हैप्पीनेस आए, तो आप बेबी गोद ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फैमिली को मनाना एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आप ये डिसीज़न आपके हस्बैंड और आप दोनों मिलके लेते हैं और ये चीज़ उनके खिलाफ जाकर भी लेते हैं, तो ग्रेजुअली वो लोग मान जाएंगे। जब देखेंगे एक अच्छा बेबी घर में आ रहा है, बच्चे की हैप्पीनेस देखेंगे, उसको खेलता हुआ देखेंगे, तो दे विल एक्सेप्ट इट। क्योंकि चांसेस इसमें नॉर्मल प्रेगनेंसी के, जिन लोगों को 7-8 साल हो गए हैं, उसमें बहुत कम है। जिनको 3-4 साल शादी के हुए हैं, वो लोग तो अभी मेंटली रेडी नहीं। अगर वो मेंटली रेडी होंगे तो उनका एकदम यस है, वो ट्राई करेंगे, उनको बेबी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहाँ पे मुझे ये बता रही हैं, फेरीज बता रही हैं कि अगर आप स्पिरिचुअल हेल्प लेते हैं, यानी कि कोई स्पेल लेना चाहें या रेकी करें या कोई एंजल्स की हेल्प लें या एंजल्स का कुछ रेमेडी लें, तो आपकी विश ग्रांट हो जाएगी। नॉर्मल तरीके से आपको खुद को भी ये खुशी मिल सकती है। बिलीव करना बहुत ज़रूरी है कि आप यूनिवर्स पे बिलीव करें और इस चीज़ पे बिलीव करें कि कोई भी चीज़ हासिल करना मुश्किल नहीं है। राइट डायरेक्शन में मूव करेंगे आप, तो आपकी विश पूरी होगी। राइट डायरेक्शन मतलब कि राइट इंसान से कंसल्ट करिए, राइट चीज़ें लीजिए। ये नहीं कि अंधविश्वास में पढ़ के कुछ भी आप ले लेंगे। बेसिकली मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि अगर आप रेकी हीलिंग का सहारा लेते हैं, ये कार्ड देखिए, रेकी हीलिंग का सहारा लेते हैं, तो आपको नेचुरल तरीके से भी ये खुशी मिल सकती है और आप कंसीव कर सकते हैं। तो एक एक तरीका तो ये रेकी आप हीलिंग ले सकते हैं, रेकी के 1-3 लेवल सीख कर आप रेकी शुरू कर सकते हैं, ताकि आपको जो भी आपके ब्लॉकेजेस हैं प्रेगनेंसी को लेकर वो हो जाएंगे। इस समय आप एक ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे आपको ये इल्यूजन हो रहा है कि आप कम्प्लीटली ट्रैप्ड हो गए हैं, यहाँ से कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा। आपको एक नॉर्मल तरीके से बेबी चाहिए, लेकिन डॉक्टर्स ने मना कर दिया है या प्रॉब्लम आ रही है और फैमिली गोद नहीं लेना देना चाहती। आप उसके लिए तैयार हैं बट फैमिली का बहुत प्रेशर आ रहा है, गलती आपकी की नहीं चाहिए, मतलब बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। आप कम्प्लीटली ट्रैप्ड हैं, उस इल्यूजन को ब्रेक करिए। उस जो भी आपके आसपास ट्रैप है, जो भी आपके आसपास एक जाल बिछा हुआ है, उस थॉट्स के जाल को आपको ब्रेक आउट करना है और लाइफ को जीना शुरू करना है। जो भी डिसीजन लेना है फॉर्म होकर लीजिए। गोद लेना है तो आप उस डिसीजन पे स्टेबल हो जाइए। अगर आपको नॉर्मल तरीके से ट्राई करना है कि आपके खुद का बेबी हो जाए, तो आप रेकी का डिसीजन ले सकते हैं, आप रेकी हीलिंग सीख सकते हैं, वो आपको एक हेल्प दे सकती है। एंजल्स मुझे ये भी बता रही है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और हेल्थ इश्यूज़ भी आपको हो रहे हैं, तो वो आपको अपने स्ट्रेस को थोड़ा रिलीज़ करिए। कोई भी लाइफ में चीज़ डिले होती है या नहीं होती, उसका मतलब ये नहीं कि लाइफ हमारे वहाँ रुक जाती है। और ओके, सो ये जो मैं कार्ड रीड कर रही हूँ, ये हो सकते हैं जिन्होंने पाइल 3 सिलेक्ट करा है, उसमें से 5% लोगों पे ये फिट बैठे, सब पे ना फिट बैठे। लेकिन ये मुझे नज़र आ रहा है कि अगर आप बहुत ही ट्रेडिशनल फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये प्रॉब्लम आपके साथ आ रही है, तो मे बी आप स्पेशली जो फीमेल्स ये रीडिंग्स देख रही हैं, मे बी आपका हस्बैंड का सेकेंड मैरिज की बात चल रही है, जिससे आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं। तो मैं ये बता दूं कि आपको इस पे स्टैंड लेना पड़ेगा, क्योंकि आपके अपने ही योग में अगर आप हीलिंग का सहारा लेते हैं या आप गोद लेते हैं, तो आपके अपने योग में भी बेबी है, ऐसा नहीं है। लेकिन वही होता है ना, जिस भी सोल को हमारी लाइफ में आना है वो आती है, वो तरीका कुछ भी हो सकता है। अगर आप अगर किसी बच्चे की ज़िंदगी बननी है आपके थ्रू या आपकी लाइफ में, वो ही सोल आने लिखी है, तो आपको गोद लेने के लिए जाना ही पड़ेगा। और अगर आप आपके पिछले पास्ट लाइफ कर्मास में कुछ प्रॉब्लम है, तो आप हीलिंग से हेल्प ले सकते हैं, जिससे आपका ये प्रेगनेंसी वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है।
चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैंने आज रीडिंग्स को थोड़ा एक्सटेंड करा है, थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करा है। मुझे बताना मत भूलना कि आज के रीडिंग्स आपको कैसे लगे, ताकि हम फिर इसी तरह से और फर्दर जो भी टॉपिक्स बनाएंगे उन रीडिंग्स को हम और ज़्यादा एक्सपेंड करेंगे और ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू सो मच।